दोस्तों जी हाँ, ये खबर आप लोगों को भी शॉक कर जाएगा, मैं भी शॉक्ड हो गया हूँ कि टिकटॉक के जो बहुत ही फेमस टिकटॉकर हैं फैजो, मिस्टर फैजो के नाम से जिनका अकाउंट है, 25 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर है, उनका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ये क्यों डिलीट कर दिया गया है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं हूँ नीरज शर्मा एंड यू आर वॉचिंग सीखो समझो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैजो एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर है जिनके 25 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और फॉलोअर्स है बोल सकते हैं टिकटॉक में, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। और इतने बड़े पॉपुलर जो टिकटॉकर हैं उनके टिकटॉक को डिलीट कर दिया गया, बैन कर दिया गया, साथ ही उन पर मुकदमा कर दिया गया है, और उनके साथ जो 5 लोग थे उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हिंसात्मक वीडियो बनाया था, हिंसात्मक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाया था। तो अगर आप बड़े क्रिएटर हैं तो आप कुछ भी करते हैं अच्छा है बुरा चीज़ तो आपके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो अगर आप बड़े क्रिएटर हैं तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं उस पर किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी कम्युनिटी को या किसी भेदभाव या लड़ाई झगड़े को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। तो उन्होंने जो झारखंड में एक तबरेज अंसारी थे जो कि मॉब लिंचिंग में मारे गए थे, उन पर उनके समर्थन में वीडियो बनाया था कि उनके बच्चे अगर बाद में किसी को मारते हैं तो मुसलमान लोगों को आतंकवादी मत बोलना, इस टाइप का कुछ बनाया था। तो वो तो उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो बहुत ही वायरल हो गया था और उन पर मुकदमा दायर हो गया है। तो अब टिकटॉक में जो है ऐसे वीडियो मत बनाइए जिससे आपके जान को नुकसान हो या आपकी वीडियो की वजह से कुछ कम्युनिटी या किसी धर्म को नुकसान हो, किसी हिंसा को भड़काने के लिए कोई वीडियो ना हो। और बहुत सारे नियम और रूल्स हैं, उसको ज़रूर देखें टिकटॉक में भी और यूट्यूब में और बहुत सारे सोशल मीडिया में बनाए हुए हैं कि अगर आप ऐसे वीडियो बनाएंगे तो आपके जो है अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो बैन कर दिया गया है और देखते हैं आगे क्या होता है, कि वापस आता है कि नहीं, टिकटॉक इतने बड़े क्रिएटर को वापस लेके आते हैं कि नहीं, तो देखने वाली बात होगी। और हमेशा वीडियो सोच समझ कर बनाएं जिससे किसी को नुकसान ना हो। वैसे भी कुछ भी उल जुलूल वीडियोस तो आते ही रहते हैं टिकटॉक पे, तो ऐसा ना करें। बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियो है जिसपे आप सेफ रहते हुए वीडियो बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो है पॉपुलर भी हुए हैं नॉर्मल वीडियो बनाकर। तो उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ समझेंगे लोग बाग, यही उम्मीद है। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नीरज शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय।